नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में तो खूब नाम कमाया ही है, पर अब वो अपना गोल्फ में भी खूब नाम कमा रहे हैं और बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नाना द देन सुरेश रायना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बीटी बाजार पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि बीटी गोल्फ का ये जो पूरा आज इवेंट रहा उसका अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर पाए। बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बीटी गोल्फ जो टूर्नामेंट कराया बड़ा अच्छा है वो, एंड थैंक्स टू राहुल कमल, ही इज अ डियर फ्रेंड, एंड उन्होंने आज बुलाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहीं भी स्पोर्ट्स पर्सन जब जाते हैं, जो खेल होता है, आई थिंक अच्छी धूप है, एक अच्छा वेदर है, ठंड का मौसम आ गया है और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें आप जाते हो तो एक अंदर से एक अच्छा लगता है खेलना, और गुड टू सी एवरीवन इज जस्ट एंजॉयिंग द आफ्टरनून। एब्सोल्युटली। तो आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आप गोल्फ भी खेल रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सिमिलैरिटी है जो आपको इन दो स्पोर्ट्स में नजर आती है? आई थिंक जो टीम यूनिटी है वो है, और सेम टीम खेलते हैं, आप पेयर में खेलते हो, टीम के साथ खेलते हो, चार के साथ खेलते हो, बट एक जो फन है, आई थिंक गोल्फ इज मोर ऑफ ए कामर गेम, मोर ऑफ ए प्लानिंग गेम, बहुत साइंस है इसमें, शॉट्स में। क्रिकेट बिल्कुल वो टाइम लिमिट्स में चलता है वो, आप जल्दी जल्दी खेलते हो, टाइम लिमिट होता है, अंपायर होता है, बहुत सारे कैमरे होते हैं, रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। गोल्फ इज मोर ऑफ ए फन, यू डू, आई वुड से इट्स ए मेडिटेशन फॉर मी। व्हेनेवर आई प्ले गोल्फ लगता है मैं अपने आप से आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ, अपने आप को, अपनी ब्रीदिंग को एक अलग तरीके से यूज कर रहा हूँ। आई थिंक रियली रियली हेल्पिंग मी, आई एम रियली एंजॉयिंग। तो टफ क्रिकेट है ज्यादा, गोल्फ क्रिकेट डेफिनेटली टफ है, बट आई वुड से कि गोल्फ ज्यादा टफ है क्योंकि इसमें साइंस गेम का बहुत अलग है, तो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सो कौन सी वो ऐसे लाइफ लेसंस हैं जो आपने गोल्फ से सीखे हैं और जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं? आई थिंक एवरी स्पोर्ट गिव यू अ लेसन इन लाइफ, आई थिंक वेदर यू सक्सेसफुल और वेदर यू नॉट सक्सेसफुल, आई थिंक एवरी डे इज अ फ्रेश डे, और आप जब देश को रिप्रेजेंट करते हो तो हर दिन एक 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 तनाव होता है, हर दिन एक अलग प्लानिंग होती है, बट वो बोलते हैं ना, हर आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो खेल में क्या है कि एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, बट स्पोर्ट्स टॉट यू लॉट ऑफ लेसन, इट्स डिसिप्लिन, इट्स वेल बीइंग, यू बी बीइंग हेल्दी, एंड यू हैव दैट ऑरा अराउंड योर टीम में जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स से सीखते हो। तो नाउ गोल्फ ऑल्सो सेम, आई एम लर्निंग लास्ट कपल ऑफ वीक्स नाउ, तो बड़ा मजा आ रहा है। Absolutely. और वो जो आप सारे चैलेंजेस फेस करते हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं, और जो अभी हमारे जो यंग व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, उन्हें आप कैसे समझाना चाहेंगे कि जो भी चैलेंजेस हम देखते हैं? I think every challenge तो आएगा ही, वो कभी भी, चाहे वो गोल्फ में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जस्ट यू नीड टू एंजॉय योरसेल्फ फर्स्ट, जो भी करना है फुल हार्टेड करना है, हाफ हार्टेड नहीं करना है, जाओ जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, कम बैक होम विद अ स्माइल फेस, यू जस्ट नीड टू डू ऑल दैट, नथिंग एल्स। ओके। और बीटी गोल्फ की आपको सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो क्या लगती है इस इवेंट? जो कम्युनिकेशन है, आई थिंक गोल्फ इज द फैमिली गेम। हां जी, यू कैन कम विद योर फैमिली या योर डॉटर और योर वाइफ, आई थिंक इट्स लॉट ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट, आई एम लविंग इट। तो अगर एक टाइम पे अगर आपको अपनी गोल्फ टीम बनानी है उसका नाम क्या होगा? जैसे हम आईपीएल में देखते हैं तमाम नाम होते हैं। मैं तो भी उनको ही बोला था, मैं यूपी से हूँ तो यूपी योद्धा हो गया, यूपी वॉरियर्स हो गया। अच्छा। कल को आईपीएल होता है हमारा गोल्फ का, तो मेरी टीम का नाम डेफिनेटली यूपी योद्धा होगा, यूपी वॉरियर्स होगा। और जो हमारे तमाम दर्शक हैं उन्हें आप, जो आपके तमाम फैंस हैं उनके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आई थिंक विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, लॉट्स ऑफ लव, नए साल के लिए कुछ ऐसा करो, अपनी अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छा खाओ पियो, हेल्दी रहो, ऑल द बेस्ट। और आपने न्यू ईयर की ही बात की तो कोई रेजोल्यूशन जो आपने बनाई हो? अगले साल जितना रहूंगा वो मेरा रेजोल्यूशन है, पता नहीं, हर दिन नया है, तो I'm healthy, I'm God has been really kind, सांस चल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और गोल्फ भी ज्यादा खेलेंगे? गोल्फ भी खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप हमारे साथ बीटी बाजार पे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।